एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना को रोकने के दो उपाय हैं, या तो हम लॉकडाउन लगाएं या फिर लोग कोरोना के नियमों की पालना करें। विज ने कहा कि मैंने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दे दिए हैं कि वो सख्ती करें, चाहे सख्ती से भले ही लोग क्यों ना नाराज हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की नाराजगी झेल सकता हूं, लेकिन लाशों के ढेर नहीं देखना चाहता। हर जिले में सख्ती होनी जरूरी है, जिसके लिए जिले में मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए और रोजाना उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। विज ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को बेड मिले, कम पड़े तो प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करें, स्कूलों में बेड लगवाए जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक 28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 35 लाख लोगों के वैक्सीन लगवाने की और उम्मीद है, जो कि महीने के अंत तक लगा दी जाएगी। रैली या कोई कार्यक्रम हो, नियम सबके लिए लागू होंगे। वहीं हरियाणा में जो 70% लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी जांच के लिए दो दिन में एक बार जांच करने के लिए हेल्थ विभाग को निर्देश दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और बसती भी रहे। दूसरा तरीका है कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना। मैंने सभी उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को आदेश दिए हैं कि कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको झेल सकता हूं, लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकता। इसलिए हमने कहा है कि जो भीड़ को संख्या तय की है, अब हमने पहले बाहर 500 की रखी थी, अब हमने 200 कर दी, इंडोर 50 कर दी, फ्यूनरल में 20 की कर दी। सख्ती से पालना कराएं। हमने कर्फ्यू लगाया है, उसको सख्ती से पालना कराएं। सख्ती करेंगे तो ही बच सकते हैं। मैंने सभी उपायुक्तों को ये भी आदेश दिए हैं कि वो अपने हर जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं, जिसमें उपायुक्त के अलावा पुलिस कप्तान हो, CMO हो, कमेटी के अधिकारी हों और अधिकारी हों, और रोजाना हर जिले की स्थिति को मॉनिटर करें। और ये भी कहा है कि हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। अगर सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या कम हो जाए तो एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करें। अगर फिर भी कम पड़ जाए, स्कूलों में, धर्मशालाओं में बेड लगाएं, लेकिन हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि इस बात पर भी नजर रखी जाए कि कोई ओवरचार्जिंग ना करे। हमने सभी प्रकार के अस्पतालों के लिए रेट तय कर रखे हैं, कोई ओवरचार्जिंग ना करे। मैंने अधिकारियों को ये भी आदेश दिए हैं कि रेमडेसिविर की कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो, हर जगह जाकर चेक किए जाएं कि किसी प्रकार की इस आपदा के समय में अगर कोई लोगों को लूटने की को ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।